दोस्तों, अगर आपके पास वार्डरोब अलमारी या कबर्ड है और आप एक ऑटोमेटिक वार्डरोब लाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये देखो, हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है अजिंक्य और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आपके वार्डरोब में ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप आपके वार्डरोब का दरवाजा ओपन करोगे वैसे ही वार्डरोब के अंदर की लाइट ऑन हो जाएगी और दरवाजा बंद करते ही लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वार्डरोब IR सेंसर। ये सेंसर मैंने ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से मंगवाया है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये सेंसर मुझे मिला है, क्योंकि सेलर बहुत ही जेन्युइन है। अगर आपको खरीदना है तो मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, लेकिन वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं आज आपको सब बताऊंगा कि वायरिंग कैसे करनी है और एक आइडिया बताऊंगा कि कैसे आप आपके कबर्ड में लगा सकते हो। अब आपका वार्डरोब स्लाइडिंग डोर वाला भी हो सकता है या फिर ऐसे ओपन एंड क्लोज वाला भी हो सकता है, तो दोनों सिस्टम्स के लिए ये सेंसर परफेक्ट है। तो चलो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो ये है वो वार्डरोब IR सेंसर, इसके स्पेसिफिकेशंस मैं अभी कवर करूंगा कुछ ही देर में। सेकंड चीज है एक बल्ब होल्डर जो आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। थर्ड चीज है एक प्लग, ये भी आपको हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। और फोर्थ चीज है एक बल्ब। अब यहाँ पर मैं 0.5 वाट का छोटा सा LED बल्ब यूज कर रहा हूँ। आप 10, 9 जितने भी वाट का यूज करना चाहते हो कर सकते हो, आपके अलमारी के साइज के अकॉर्डिंग। बस इतनी ही चीजें हमें लगने वाली है। अब ये प्रोजेक्ट बॉयज गर्ल्स दोनों बना सकते हैं और वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है और करके बताया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस सेंसर के बारे में आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, एवरीथिंग। तो ये सेंसर एक अच्छे बॉक्स पैकेजिंग में आता है जिसमें आपको यूजर मैनुअल मिलेगा और साथ ही फिटिंग के लिए स्क्रूज मिल जाएंगे। बात करें फिजिकल ओवरव्यू की तो एक ABS प्लास्टिक मटेरियल की बॉडी है इसकी और साथ में ये जो वायर आप देख रहे हो ये है IR सेंसर। एक्चुअल में ये वायर जो है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबी वायर है, आप देख सकते हो। तो इससे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप जहां चाहे वहां इस सेंसर को प्लेस कर सकते हो। ये एक 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC पावर सप्लाई पर चलने वाला सेंसर है, तो इसे सिंपली आपको डायरेक्ट पावर सप्लाई देना है। इस पर आप 200 वॉट इनकैंडेसेंट लैंप या फिर 500 वॉट एनर्जी सेविंग बल्ब्स यानी LED बल्ब्स लगा सकते हो। इन सिंपल टर्म्स आप 10 वॉट के 2-3 LED बल्ब्स इस पर लगा सकते हो। अगर वॉटेज आप और कम करोगे तो 4-5-6 बल्ब्स आप इस पर लगा सकते हो। ये एक IP20 रेटिंग वाला सेंसर है, इसे पानी से थोड़ा दूर ही रखो। बात करें सेंसर की तो ये जो सेंसर है वो एक IR सेंसर है, तो अगर हम इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाता है और ऑब्स्टेकल हटाने के बाद आउटपुट ऑन हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, इस वीडियो के लिए हमारा ऑब्स्टेकल है वार्डरोब का दरवाजा। सिंस दिस इज एन IR सेंसर, यू हैव टू मेक श्योर कि जहां पर भी आप इस सेंसर को लगाओगे वहां पर सिल्वर टेप या फिर व्हाइट कलर की टेप लगाएं, इससे आपको इसका एक अच्छा सेंसिंग मिल जाता है। वैसे इसका जो सेंसिंग डिस्टेंस है वो है 5 से 6 सेंटीमीटर का, विच इज सफिशियंट फॉर दिस एप्लीकेशन। इसकी वायरिंग भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, टोटल 4 पॉइंट्स है इसमें, जिसमें से 2 है पावर सप्लाई इनपुट और 2 है लोड आउटपुट। अभी वायरिंग करते समय आपको क्लियरली समझ जाएगा। तो चलो अब इसकी वायरिंग देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो प्लग की वायर्स हैं रेड एंड ब्लैक, उसे इनपुट वाले साइड में लगा देता हूँ, जहाँ रेड लगाई मैंने L वाले पॉइंट पर और ब्लैक लगाई N यानी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों वायर्स आपस में कांटेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना ये शॉर्ट हो जाएगा। ये होने के बाद बल्ब होल्डर की 2 वायर्स जिसमें से ब्लैक वायर है वो लगाई मैंने N वाले पॉइंट पर और जो रेड वायर है वो लगाई L- वाले पॉइंट पर। आपको ये जो डायग्राम है वो इस सेंसर के यूनिट पर मिल जाएगी। अब इस कैप को इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं एंड वी आर डन। एक बार चेक करते हैं, परफेक्ट। सो गाइस, मैं अभी आपको इसे मेरे वार्डरोब पर लगा के बताता हूँ। मेरा वार्डरोब स्लाइडिंग डोर वाला है जिसके बॉटम कॉर्नर पर एक व्हाइट कलर का पैच लगा है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया, आपके वार्डरोब के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हो। सो आप ये डेमो देख लो और जैसा चाहे वैसा आप आपके वार्डरोब के लिए अप्लाई कर सकते हो। Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. This is just amazing.
मैं आपको पूरा अंधेरा करके अभी दिखाता हूँ। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको ये सेंसर खरीदना है तो ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से आप खरीद सकते हो। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुल वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाते रहूँगा।